हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ है कि जावा मोटरसाइकिल्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये टू स्ट्रोक एरा का बहुत बड़ा नाम है बाइक्स में। तो जावा मोटरसाइकिल्स फिर से इंडिया में रीलॉन्च होने वाली हैं और इसे इस बार रीलॉन्च कर रही है महिंद्रा की एक सब्सिडियरी जिसका नाम है कस्टम लीजेंड्स। उन्होंने बाइक को बनाने का जिम्मा लिया है और बाइक में कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन बाइक अपने क्लासिक लुक में ही आएगी जैसे पहले आती थी। तो लुक में गाड़ी बहुत अच्छी दिखने वाली है और इसका डायरेक्ट कंपटीशन होगा रॉयल एनफील्ड से। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जावा मोटरसाइकिल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो जो इंजन है वो 293 सीसी का होगा, जो कि फ्यूल इंजेक्टेड होगा और लिक्विड कूल्ड होगा, जो कि जनरेट करेगा 28 Nm का टॉर्क और 29 BHP। तो और ये इंजन जो है वही इंजन है जो महिंद्रा मोजो में यूज़ किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 स्ट्रोक होने के बावजूद भी इस बाइक की आवाज़ उसी 2 स्ट्रोक इंजन से मिलती जुलती रहेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। बाइक जो है 15 नवंबर 2018 को लॉन्च होने वाली है, तो लॉन्च को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि बाइक के लुक्स वही पुराने वाले लुक्स हैं और बाइक बहुत दिखने में क्लासिक रहेगी। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ इंजन की और बाइक की कुछ पिक्स वायरल हो चुकी हैं, वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ और रिव्यूज़ लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कोई सजेशन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।